हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, एक किलोस्कर की डीजी है और इसमें मेंटेनेंस ड्यू का सिग्नल आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो कभी भी आप लोग के पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप लोग उसे कैसे ठीक करेंगे, तो उसी के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊँगा। तो देख सकते हैं अलार्म के आगे 1/1 लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ड्यू लिखा हुआ है। तो जो नीचे एरो वाला बटन है उसको और रेड कलर का जो हमारा स्टार बटन है उसको प्रेस करेंगे तो ऐसे पेज ओपन हो जाएगा और फिर ये पासवर्ड मांगेगा। तो एक नंबर में 0 रहने देंगे और 2 नंबर में 1 कर देंगे और 3 नंबर में 2 करेंगे और 4 नंबर में 3 करेंगे और फिर जो है सेलेक्ट वाले बटन को दबा देंगे। तो देखिए, जो हमारा मॉड्यूल खुल गया है और हम मेंटेनेंस वाले ऑप्शन में जाएंगे और मेंटेनेंस वाले ऑप्शन में जाके फिर हम सेटिंग करेंगे। तो मेंटेनेंस और ड्यू का सिग्नल तभी देता है दोस्तों जो कंट्रोलर में हॉर्स मीटर सेट रहेगा और उससे ज़्यादा आपकी डीजी चल जाएगी और आप सर्विस नहीं करेंगे, या अगर जो आपने सर्विस कर भी दिया और वहाँ पर सेटिंग नहीं करेंगे तो जो ये सिग्नल है वो आपका देना चालू हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा डीजी है 784 घंटा चल चुका है। और चलिए देखते हैं कि इसमें कितना सेट है। तो देख सकते हैं 780 घंटा पर सेट है ये और जो हमारी डीजी है वो 4 घंटा अधिक चल गई है, इसलिए मेंटेनेंस ड्यू का सिग्नल देने लगा है। तो हम इसको सेटिंग के माध्यम से 850 करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, ऊपर जो एरो वाला बटन है उसको दबा के और मैं जो हॉर्स मीटर उसको बढ़ा रहा हूँ। तो मैं इसको 850 पर सेट कर दूँगा और सेट करने के बाद से फिर देखें कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए, मैंने 850 कर दिया है और सेलेक्ट वाले बटन को दबाएंगे तो ये 850 पे सेट हो जाएगा, जो ब्लिंक कर रहा है वो बंद हो जाएगा। तो देखिए, ब्लिंक करना बंद हो गया है। बाकी कोई सेटिंग नहीं छेड़ना है, हॉर्स मीटर सेट करना था तो मैंने ऑलरेडी हॉर्स मीटर सेट कर दिया है। तो कभी भी आप लोग के पास ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हैं। तो आप ही लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग का हेल्प हो सके। तो जो हमारा स्टॉप वाला बटन है उसको और जो नीचे एरो वाला बटन है उसको दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो जो हमारा सेटिंग ओपन हुआ है कंट्रोलर का वो सेव हो जाएगा, यानी जो भी मैंने डाटा उसमें एडिट किया है, जैसे मैंने हॉर्स मीटर सेट किया है वो सेव हो जाएगा। तो देख सकते हैं सेव हो गया है, सेविंग सेटिंग लिख रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि पहले जो मेंटेनेंस ड्यू का सिग्नल दे रहा था और अलार्म के सामने 1/1 दिख रहा था, नहीं 1/1 दिख रहा था, वो हटा है कि नहीं हटा है, क्योंकि पहले जो हमारा हॉर्स मीटर था वो 784 था। चलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, नो अलार्म दिखाई दे रहा है और अलार्म के सामने 0/0 दिखाई दे रहा है, यानी कोई अलार्म नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो पहले मेरा हॉर्स मीटर था जिसके चलते ये सिग्नल दे रहा था। तो देख सकते हैं 784 हॉर्स शो हो रहा है, यानी जो ये डीजी है 4 घंटा अधिक चल चुकी है कंट्रोलर के सेटिंग के हिसाब से। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।